वुमेन एशिया कप में पाकिस्तान वुमेन और थाईलैंड वुमेन के बीच में जो मुकाबला होने वाला है उसको लेकर एमएसपी वीडियो में मैं आपके सामने हाजिर हूँ, जहां हम बात करेंगे बहुत सारे नंबर्स, स्टैट्स और प्रीव्यू के बारे में इस मैच के रिलेशन में। सबसे पहले इस मैच को खेला जाएगा सिल्वेट क्रिकेट ग्राउंड में, जो कि बांग्लादेश में है, और ये इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 8:30 AM यानी सुबह ये मुकाबला देखने को मिलेगा। वहीं इस मैच से रिगार्डिंग आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मिलेगी आपको इस वीडियो में, सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो। शुरुआत करेंगे हेड टू हेड के साथ, जहां पाकिस्तान और थाईलैंड के बीच अभी तक दो T20I मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से एक पाकिस्तान ने जीता है और एक मुकाबले का कोई भी रिजल्ट नहीं निकला, व्हिच मींस थाईलैंड अभी भी कोई भी मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ नहीं जीत सका है। पिच बिहेवियर की बात करें तो इस पर्टिकुलर क्रिकेट ग्राउंड में, जो कि सिल्वेट इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड है, यहां पर लो स्कोरिंग ग्राउंड इसे कहा जाता है, ज्यादा रन नहीं बनते। वहीं यहां पर पेसर्स का ज्यादा अच्छा रिकॉर्ड रहा है देन स्पिनर्स, तो यहां पे एक कॉम्पिटिटिव मैच देखने को मिलेगा, जो कि बैट्समैन और बॉलर्स के बीच में एक अच्छा कॉम्पिटिशन लेकर के आएगा। पिच बिहेवियर की बात, अब बारी है माइलस्टोन्स की, जहां पर कौन से प्लेयर्स कौन से नंबर्स को अचीव कर सकते हैं इस पर्टिकुलर मैच में। बिस्मा मारूफ रिक्वायर्स 5 फोर्स टू कंप्लीट 454 अक्रॉस फॉर्मेट्स। चनीना रिक्वायर्स 4 विकेट्स टू गेट टू 50 T20I विकेट्स। मुनीबा अली नीड्स 9 फोर्स टू गेट टू 50 फोर्स इन T20Is। माइलस्टोन्स के बाद अब बारी है प्लेयर्स टू वॉच आउट जान लेने की पाकिस्तान की टीम की ओर से, जिसमें सबसे पहले नाम आता है नशरा सांधू का। उन्होंने 30 मैचेस खेलकर 23 विकेट्स लिए हैं, एंड आई एम डैम श्योर कि इन दिस पर्टिकुलर मैच नशरा सांधू की बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी होगी अर्ली विकेट्स की, ताकि ज्यादा रन भी स्कोर ना हो और उन्हें जल्दी विकेट मिले और ये मैच जीतना पाकिस्तान के लिए और भी इजी हो जाए। थाईलैंड की ओर से प्लेयर टू वॉच आउट होंगी उनकी ओपनर नानापेट, जिन्होंने 50 मैचेस में 739 रन स्कोर करके टीम को एक हमेशा अच्छी शुरुआत दिलाई है, और वहीं इस मुकाबले में भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाएं, जिससे वो बड़ा स्कोर स्कोर बोर्ड पर खड़ा कर सके। अब आ रही है प्लेयर्स बैटल की, जिसमें हम ये जानेंगे कि अगर दो खिलाड़ियों के बीच में 1-on-1 बैटल हो तो किसकी होगी जीत। ये बैटल है नतकम चंदन वर्सेस नशरा सांधू के बीच, जहां नशरा ने नतकम का एक बार विकेट लिया है। ये बैटल है चनीडा वर्सेस कायनात इम्तियाज के बीच, जहां कायनात ने चनीडा का एक बार विकेट लिया है। दिस बैटल इज बिटवीन मुनीबा अली वर्सेस नताया, जहां नताया ने मुनीबा का एक बार विकेट लिया है। इस मुकाबले की एक और प्लेयर बैटल है जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, एंड दैट इज मिसबा वर्सेस स्वर्णारेन, जहां स्वर्णारेन ने मिसबा का एक बार विकेट लिया है। अब नजर डाल लेते हैं एक बार दोनों ही टीम्स की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के ऊपर, जहां पाकिस्तान की ओर से हमें खेलती दिखाई देंगी मुनीबा अली, वहीं उनका साथ देंगी सिद्रा आमीन, बिस्मा मारूफ, फिर उमाइमा सुहेल, फिर निदानार और सिद्रा नवाज में से एक खिलाड़ी होंगी टीम का हिस्सा, फिर आलिया रियाज, आयशा नसीम, डायना बेग और कायनात इम्तियाज में से होंगी एक प्लेइंग 11 में, तुबा हसन, नशरा सांधू और सादिया इकबाल। वही पाकिस्तान की बात अब देख लेते हैं कि क्या होगी थाईलैंड की प्लेइंग 11। सबसे पहले ओपनिंग करने आएंगी नानापेट, वही उनका साथ देंगी नथकन चंदम, फिर नारुमल चायवाय, फिर चनीटा, उसके बाद में स्वर्णारेन, फिर फनीता, फिर रोसनन, उसके बाद में ओनीचा, फिर नताया, उसके बाद थिपाचा और सुलिपोन। इस एमएसपी वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, पर और सभी नंबर्स और सभी अपडेट्स जानने के लिए आप बने रहिए क्रिक ट्रैकर के साथ, जहां आप सोशल मीडिया के थ्रू हमसे ले सकते हैं बहुत सारे अपडेट्स, और वेबसाइट पर जाकर के आप पढ़ सकते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स। हमारे साथ बने रहिए इस जर्नी में, जहां हम फॉलो करते हैं क्रिकेट आपके लिए, आपके पैशन के लिए। हमें आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, इसके अलावा टेलीग्राम चैनल्स पर अपडेट लीजिए, वहां पर हम लोग बहुत सारी क्रिकेट की बातें करते हैं, जो एक इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं एक फैंस के लिए। तब तक बहुत बहुत शुक्रिया एमएसपी में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आगे भी आपसे हम मिलते रहेंगे और बनाते रहेंगे क्रिकेट की यही जुगलबंदी।